सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म कितने प्रकार का है? चार। पहला धर्म सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? जैसे भगवान राम, भगवान राम ने अपनी माता की सेवा की, पिता की सेवा की, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का पालन किया, एक अच्छे पति बने, एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे राजा बने, ये सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का पालन किया है लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भगवान राम की बात मानते थे कि नहीं? जोर से बताओ, नहीं मानते थे लक्ष्मण जी? राम जी की बात नहीं मानते थे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, हमारे साथ मत चलो। क्या लक्ष्मण जी ने मानी? बोलो। जब भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे थे, आ गया कैकेयी का बेटा, मार डालूंगा उसे मैं, आपको मारने आ रहा है सेना लेकर। गुस्सा किया, राम जी ने शांत किया, लक्ष्मण ऐसा ना बोलो, भरत ऐसा नहीं है। क्या राम जी की बात भरत जी, लक्ष्मण जी ने मानी? नहीं मानी। भगवान भी कहें, ध्यान से सुनना इस बात को, भगवान आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो, तुम मेरा गुणगान करना छोड़ दो, तो प्रभु हम आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको छोड़ दो ये बात आप ही कहेंगे तो आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। राम जी ने कहा, नहीं पिताजी बूढ़े हैं, माँ को संभालना, पिताजी को संभालना। लक्ष्मण जी बोले, ना हम नहीं संभालेंगे, हम माँ बाप को संभालने नहीं आए, हम आपके संग चलेंगे। जो भगवान का साथ ना छोड़े वह श्रेष्ठ भक्त होता है, जैसे लक्ष्मण जी। जो भगवान भी कहें कि तुम हमारे साथ ना रहो, नहीं हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ बातें नहीं मानी राम जी। तो जो भगवान को ना छोड़े, लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा? लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा बता? क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? उत्तर दो मेरी मां, क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? नहीं, वनवास तो भगवान राम का हुआ था, वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ ही नहीं था। तो लक्ष्मण जी को 14 साल कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में आलीशान महलों में रहते। किसने कहा था कि पत्नी छोड़ दो? 14 साल के लिए अपनी पत्नी कौन छोड़ता है भैया? आजकल अपने भाई के लिए कौन अपनी पत्नी छोड़ता है? कौन सब कुछ सुख छोड़ता है अपने भाई के लिए? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने अपनी माता, तात तुम्हार मातु वैदेही, लक्ष्मण जी ने अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना सुख सब कुछ छोड़ दिया। बताओ किसके लिए? जोर से, जोर से और जोर से, भगवान के लिए। जो भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान के लिए छोड़ दे, उस भक्त से श्रेष्ठ भला कौन हो सकता? इसलिए राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। ये विशेष धर्म है।
सब कुछ छोड़ दिए पर भगवान को, गोपियों ने भी आज परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया पर भगवान को। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने पतियों, गोपियां भी भगवान की बात नहीं मानती। भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास, तुम अपने पति परिवार देखो। गोपियों ने कहा हमारे पति ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरू अमर कर जाए। हम संसार के पति फोटो हैं, साक्षात पति तो आप ही हैं, सबको छोड़ के आपके पास आई हैं। गोपियां भी बात नहीं मानती भगवान की, भगवान को मानती, भगवान की कुछ बातें नहीं मानती गोपियां। लक्ष्मण जी कुछ बात नहीं मानते, राम जी की बाकी बातें मानते, जो मानने लायक है वो मानते। तो गोपियां भी लक्ष्मण जी जैसी सब छोड़ देंगे पुत्र परिवार, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये विशेष धर्म, तीसरा धर्म है विशेषतर, विशेषतर धर्म। इस धर्म का पालन किया श्री भरत जी ने। ये विशेषतर धर्म क्या होता है बताओ। भारत जी को क्या मिला? लक्ष्मण जी और भरत जी यदि दोनों को हम देखें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति आपको किसकी दिखाई पड़ती है? यदि हम लक्ष्मण जी और भरत जी में दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति किसकी दिखाई पड़ती है? श्रेष्ठ त्याग किसका है बोलो, आप बताइए किसका? भरत जी का। तो क्या लक्ष्मण जी का त्याग कम है? लक्ष्मण जी का त्याग भी श्रेष्ठ है, पर लक्ष्मण जी से भी अधिक त्याग श्री भरत जी का। इसलिए लक्ष्मण जी से भी ऊंचे स्थान में श्री भरत जी हैं। क्यों? जबकि त्याग तो लक्ष्मण जी का दिखता है, पर लक्ष्मण जी का त्याग, उनसे भी ज्यादा त्याग भरत जी का कैसे? लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहे हैं, पर भरत जी तो राम जी के साथ भी नहीं थे। पहला तो वो साथ में नहीं थे, नंदीग्राम में थे राम जी के वियोग में। दूसरा, भरत जी 14 साल तक इस गिलानी से जलते रहे कि मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ, मेरे कारण मेरे माँ ने मुझे ही तो राजा बनाने की बात कही थी, मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ। ऐसे भरत जी जिन्होंने अपने भगवान के लिए, वो राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी ने गड्ढा खोद लिया, नंदीग्राम में आज भी वो जगह है जहां भरत जी सोते थे जमीन के नीचे सोते थे। सोते क्या थे? केवल राम राम कहकर रोते थे। जब राम जी चित्रकूट, भरत जी चित्रकूट पहुंचे राम जी से मिलने, और वहां जब राम जी को देखा तो भरत जी खड़े खड़े गिर गए थे, ऐसे राम जी के चरणों में ऐसे खड़े खड़े जैसे लाठी। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल भूतल परेऊ लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा सीधा गिरता है, ऐसे राम जी खड़े खड़े सीधे भगवान के चरणों में भरत जी गिर गए। धन्य है भरत जी जिनका त्याग, जिन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। माँ आपके मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया? जो बेटा अपनी माँ, उस माँ का त्याग। देखो बच्चों को वो माँ बड़ी प्यारी लगती है जिस माँ के पास बहुत पैसा होता है। कह कई माँ के पास तो पूरी अयोध्या की सत्ता आ गई थी ना, क्योंकि भरत जी के लिए मांग ली थी। उन माँ के पास तो पूरी अयोध्या का राज्य था, भरत जी को मिलने वाला था,
ऐसी माँ जो भरत जी को राजा बनाने वाली थी, ऐसी माँ का त्याग कर दिया भरत जी ने। हमें ना माँ चाहिए ना माँ का सिंहासन चाहिए। जिस सिंहासन को तुमने हमारे पिता से मांग लिया है हमारे लिए नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। भरत जी बहुत रोए हैं और भरत जी 14 साल जितना त्याग जितना कष्ट राम जी ने उठाया 14 सालों में, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट भरत जी ने नंदीग्राम में उठाया। उनकी त्याग उनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ। इसलिए सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर धर्म भरत जी का, और भरत जी से भी श्रेष्ठ हैं कौन बताओ? भरत जी से भी श्रेष्ठ कौन? विशेषतम धर्म चौथा। सामान्य धर्म राम जी ने निभाया, विशेष लक्ष्मण जी ने, विशेषतर धर्म भरत जी ने, और विशेषतम शत्रुघ्न जी ने। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी इन दोनों को देखिएगा। लक्ष्मण जी किनकी सेवा करते हैं? भगवान की। और शत्रुघ्न जी किनकी सेवा करते हैं? भगवान के भक्त की। यदि राम जी श्रेष्ठ पूर्ण रूप से भगवान हैं, तो भरत जी भी श्रेष्ठ पूर्ण रूप से भक्त हैं। राम से बड़ा कोई भगवान नहीं, तो भरत जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। तो राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी हैं, तो भगवान की सेवा कौन कर रहा है? जोर से बोलो, बोलो मेरी माँ। राम जी की सेवा कौन? लक्ष्मण जी। और भक्त की सेवा कौन? भरत जी, मतलब भक्त। भरत जी की सेवा कौन? शत्रुघ्न जी। तो भगवान की सेवा करने वाला इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ भगवान के भक्त की सेवा करने वाला श्रेष्ठ। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए दासों के दास की सेवा। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में गुरु चरणों की सेवा कही जाती है, गुरुजनों, क्योंकि गुरु भगवान के उपासक हैं। हम भगवान के डायरेक्ट क्या उपासना करें, हम गुरु जी की उपासना करें, हम गुरु जी की सेवा करें। दासानुदासो भवितास्मि भूया। हमारे यहां आचार्य चरणों की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है। श्रेष्ठ कौन है? भगवान के पुजारी, भगवान का पूजा करने वाला श्रेष्ठ नहीं, जो भगवान के भक्तों का दास हो, भक्तों का पुजारी हो, वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने मेरा पांव पकड़ा है, हाथी ने, जब हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने हाथी का उद्धार किया, पर हाथी के पहले हाथी का पांव पकड़ने वाले मगर का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि मगर ने किसका पांव पकड़ा? हाथी का। और हाथी कौन है? भक्त है। हाथी भक्त का उद्धार बाद में किया भगवान ने, भक्त के चरण जिसने पकड़ रखे हैं उसका उद्धार पहले कर दिया। यही है दासानुदास भवितास्मि भूया। इसलिए भक्तों की भक्ति विशेष कही गई है। जो भक्त हैं आप उनकी सेवा करो। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब छोटा सा था, संतों की खूब सेवा करता था। कोई भी संत आए तो मैं उनके चरण दबाता था, उनकी जो आज्ञा हो उसका पालन करता था, वो जो कह दें वो करता। वो कहें कि मेरे कपड़े धुल दो तो कपड़े धुल देता, जो कहें आसन उठाओ आसन उठा, जो जो कहें करता था सेवा। क्योंकि ये संत भगवान से जुड़े हैं, दिन भर सीताराम सीताराम जपते, दिन भर भगवान का चिंतन। संतों का कोई काम नहीं है भगवान के चिंतन के सेवा, तो हम डायरेक्ट कहाँ भगवान से जुड़ेंगे? हम तो इनके चरणों की धूली माथे पे सजा लें तो हमारा कल्याण इसी में हो जाएगा। इसलिए दासानो दासो भवितास्मि भूया। तो श्रेष्ठ भक्ति किसकी हुई? चारों में श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों में श्रेष्ठ कौन? कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज।
शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले कम हैं, कम बोलते हैं, वो केवल सेवा करते हैं। और सेवा भी किसकी? भरत जैसे भक्तों की सेवा। भरत जैसे भक्तों की सेवा। धन्य है। सोचो कि भरत जी की सेवा श्री शत्रुघ्न जी ने की। अच्छा, ये चारों कौन है? राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, भरत जी कौन है, शत्रुघ्न जी कौन है, बताओ कौन है ये? राम जी कौन है? पहले तो राम जी का परिचय दो। राम जी कौन है? साक्षात कौन? कौन? साक्षात श्री मन नारायण है ये। साक्षात श्री हरि है, नारायण ही राम है। ठीक है, फिर लक्ष्मण जी कौन है? जोर से बोलो, और जोर से। शेषावतार, शेष नाम, साक्षात शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? नहीं पता? भरत जी, अब यहां देखो, ये रखे हैं सामने, इन दो में से एक भरत जी हैं, बताओ कौन? इन दो में एक भरत जी हैं, बताओ कौन है? शंख और चक्र, इन दोनों में एक भरत जी हैं, बताओ कौन? चक्र के अवतार हैं भरत जी या शंख के, आप बताओ किसके? शंख के अवतार हैं भरत जी और चक्र के अवतार हैं साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज, चक्र के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो भगवान का पूरा परिकर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान जहां भी जाते हैं शंख चक्र लेकर जाते हैं, हाँ या ना? होते ना शेष भगवान। भगवान, आपने तिरुपति बालाजी का कभी दर्शन किया हो तो भगवान के हाथ में शंख चक्र है। बिना शंख, जब भगवान प्रकट भये, जब राम जी भये प्रकट, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वहां भी भगवान जब प्रकट भये है ना तो शंख चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट भये हैं। बाद में मां के कहने से दो हाथ कर लिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो तमत भूतम बालक मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम लिखा। भगवान कृष्ण प्रकट भये तो शंख और चक्र लेकर के प्रकट भये। भगवान कभी शंख चक्र के बिना आते ही नहीं है। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में पंच संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मंत्र होता है, फिर शंख चक्र नाम होता है, नामकरण, फिर तिलक संस्कार, मंत्र संस्कार, तिलक संस्कार, नामकरण संस्कार, और चौथा संस्कार शंख, और पांचवा चक्र। शंख चक्र जब तक भुजा में अंकित ना किए जाएं तब तक गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती। धनुष बाण भी श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण दिए जाते हैं और श्री संप्रदाय में शंख चक्र दिए जाते हैं, भुजाओं में अंकित किए जाते हैं, गरम करके लगाए जाते हैं। गरम मतलब बहुत तपाया नहीं जाता, पर साधु समाज में तो बहुत गरम करके लाल करके ही लगाया जाता है, निशान बना रहे है? बिल्कुल तपा करके, लाल करके, बिल्कुल गर्मा गर्म निशान पड़ जाए ताकि शंख चक्र अंकित दिखाई पड़े। पर आप गृहस्थों के लिए हम लोग हल्का सा लगाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, पर संतों को पूरा तपाया जाता है। स्वामी जी भी जब मंत्र लिए होंगे तो इन्हें भी धनुष बाण मिला होगा, धनुष बाण। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण की परंपरा है और श्री संप्रदाय में श्री शंख चक्र की परंपरा है। तो जब तक ये संस्कार ना हो तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। गुरु दीक्षा तब पूरी होती है जब पंच संस्कार, स्वामी जी के भी पंच संस्कार हुए होंगे। स्वामी जी ने जो तिलक लगाया है
ये तिलक स्वामी जी को इनके गुरु जी ने प्रदान किया होगा, स्वामी जी को मंत्र दिया होगा, मंत्र तिलक इनका जो नाम है वह नाम भी इनके गुरु जी ने इनको दिया होगा। इनके अपने नाम तो पुराना डिलीट हो गया, जैसे शादी के बाद लड़की का नाम गोत्र बदल जाता है, ऐसे संत समाज में दीक्षा के बाद बच्चे का नाम गोत्र सब बदल जाता है। अब तू गुरु का चेला है इस नाम से जाना जाएगा, है ना। ये दास अनिरुद्ध हमारा नाम भी पहले कुछ और था, जब हमारा पंच संस्कार हुआ तब हमारे गुरु जी ने हमें नाम अनिरुद्धाचार्य दिया। हमारे गुरु जी ने हमें, जो कि गुरु जी अभी हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, अभी हैं हमारे गुरु जी और आशीर्वाद बनाए रखते हैं दास पर, श्री संप्रदाय से जोड़ करके हमें उन्होंने कृतार्थ किया है। तो हमें नाम हमारा पहले था, दूसरा नाम था पहले अनिल कुमार तिवारी। क्या नाम था? अनिल कुमार तिवारी। फिर गुरुजी ने अनिरुद्धाचार्य किया। आप हमारे गुरुजी हैं, परम विद्वान गुरुजी ने और गुरुजी के पिताश्री ने भागवत जी पर श्री माधव सेवा टीका लिखी है, परम विद्वान। गुरुजनों का आशीर्वाद जब मिल जाए, गुरुजनों की चरण धूली मिल जाए, हम तो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है, पर जब गुरु कृपा हो जाती है तब कुछ बोलने की कुछ कहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हुई। हम भगवान को नहीं जानते थे, जब गुरु को जाना तो भगवान को जाना। इसलिए भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि भगवान को भी हमने बाद में जाना ना, पहले हमें गुरु मिले, उन्होंने बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, इनकी ये महिमा है, तब हम जाने के कुछ राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। गुरु ना मिलते तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देते, हाँ या ना। इसलिए गुरु महिमा विशेष है, गुरु कृपा विशेष है। तो पंच संस्कार होते हैं, जब ये पंच संस्कार हो जाए तब आपकी दीक्षा पूरी होती है। फिर गुरुजी अब आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित हो जाओ, स्वीकार करेंगे गोविंद अब आपको भगवान श्री मन्नार। हमारी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान, जिन्होंने जो लक्ष्मण जी के अवतार इस धरती पे आए और उन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया, जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाया। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी जो हैं 1000 साल पहले आए, कितने साल पहले, लगभग 1000 साल पहले। और स्वामी रामानुजाचार्य जी जब जाने लगे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो भगवान रंगनाथ जी बोले कि मेरे रामानुजाचार्य को मत ले जाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस के युग में ये बात मैं बोल रहा हूं, बताओ किसी का मरा हुआ शरीर आप कितने दिन संभाल के रख सकते हैं, दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन और ज्यादा क्या है। लेकिन 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर पूरा हुआ, आज तक उनका वो मृत शरीर, आज भी उनका शरीर माँ श्रीमन नारायण के चरणों में अर्थात रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी सामने, भगवान जी के सामने आज भी है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 1000 साल पुराना उनका शरीर, जस का तस ये शरीर, यही शरीर, मतलब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं, ये श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आप टीवी पे देख रहे हैं। श्री संप्रदाय कि ये महिमा है कि यहां श्री की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और स्वामी जी जब शरीर पूरा हुआ जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। आज भी मंदिर के पास गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत में आपने सुना होगा रंगनाथ,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का बार 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 मांग हूं हरस देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान को जानते हैं ना आप लोग? रंगनाथ भगवान वो लेटे हुए हैं, वो क्षीर सागर में मानो शेष भगवान के ऊपर श्री रंगनाथ भगवान, ऐसे रंगनाथ भगवान। कभी आप गए हो तिरुपति बालाजी? गए होंगे ना? नहीं गए? तिरुपति बालाजी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ भगवान का मंदिर है, कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिए रंगनाथ भगवान का। तो ये रंगनाथ भगवान का पावन दर्शन आप करें, और स्वामी जी का शरीर आज भी बिल्कुल उनकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, उनका शरीर जस का तस, हजार साल हो गए इस बात बस। प्रिय भक्तों, तो ये श्री संप्रदाय इतनी श्रेष्ठ संप्रदाय है, रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय में विशेष बहुत आचार्य हुए हैं, पर दो विशेष आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है ये हमारी भारत भूमि, जहां साक्षात राम ही श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए हैं, और श्री लक्ष्मण जी ही श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए। तो ऐसी विशेष परंपराएं और संप्रदायें अनादि, जब से सृष्टि बनी है तब से ये श्री संप्रदाय है, माता लक्ष्मी जी से शुरू हुई श्री संप्रदाय। पहली आचार्या हैं हमारी माता लक्ष्मी, लक्ष्मी जी से नाम, लक्ष्मी जी के नाम से ही संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। श्री मीन्स लक्ष्मी जी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा, श्री मतलब माता लक्ष्मी। ऐसी पावन संप्रदाय आज भी हमारे हृदय को आह्लादित करती हैं, और ऐसे महापुरुषों के चरणों के नीचे बैठ करके कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता रहता। तो कहने का अर्थ यही है, हमारे भारत में विशेष चार संप्रदाय हैं, वैष्णवों की श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, फिर निम्बार्क की अलग अलग, फिर और श्री निम्बार्काचार्य जी स्वामी जी हुए हैं जो सुदर्शन भगवान के अवतार हैं, और श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, इसके बाद श्री विष्णु स्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया है। रामानुजम श्री, फिर मध्वाचार्य संप्रदाय विष्णु स्वामी जी, और रुद्र संप्रदाय जिसे निम्बार्काचार्य संप्रदाय विष्णु स्वामी जी की संप्रदाय, और श्री मध्वाचार्य जी, ऐसे महापुरुष। फिर इनकी अलग अलग फिर और शाखाएं भक्तों ने अपने अपने ढंग से, श्री वल्लभाचार्य जी हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां से वो गुजर जाते थे वहां का पूरा, उनके गुजरने मात्र से, उनके शरीर के वाइब्रेशन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाया करता था। उनके शरीर की पॉजिटिविटी इतनी थी, जहां बैठ जाते थे वहां का 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में भक्ति ऐसे जैसे कोरोना का एक मरीज जहां बैठ जाए तो चार को कोरोना में बना दे, ऐसे ही ऐसे महापुरुष थे, जहां बैठ जाए वहां सैकड़ों लोग दर्शन मात्र से भक्त हो जाते थे, कुछ कहना नहीं पड़ता था, सिर्फ दर्शन कर ले तो भक्त हो जाए। ऐसी महापुरुषों की बातें क्या क्या कहें हम आपसे। रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामीनम रुद्रो निम्बादित्यम
चतुष्सना जो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कलयुग की बातें हैं। कलयुग में ही इन महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने धरती में आकर के पुनः अपने अपने ढंग से फिर श्री आद्य शंकराचार्य जी आए। आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पुनः धर्म की स्थापना की। श्री ऐसे महापुरुष जिन्होंने चार मठों की स्थापना की, शंकराचार्य, चार शंकराचार्य जी की स्थापना की, ऐसे महापुरुषों के सभी आचार्य चरणों में दास बारंबार नमस्कार करता। जितने भी हमारे आचार्य हैं सबके श्री चरणों बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गोपियां सब कुछ छोड़ के गोविंद की शरण में आई हैं और मुझे लगता है यही जीवन की सार्थकता है कि सब कुछ छोड़कर अंत में जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हों, हम तो कहते हैं कुछ पकड़ो ही मत, सब छोड़ के काम करते रहो, स्मरण बनाए रखो। जो सब छोड़ के गोविंद का हो जाता है वही समझदार है, जो उलझा हुआ है कोई काम का नहीं।